हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज हम एक और बैगन की सब्ज़ी कह सकते हैं। कई हमने बैगन की रेसिपी यूज़ करी है, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल है। आज हम इसे बनाते हैं और हमने इसमें सारे अपने होम ग्रो हमारे जो वेजीज हैं वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ स्वीट पेपर्स हैं इसमें और ये एक लार्ज हमने बैगन लिया है और उसको सिर्फ 20 से काट के 2 पीस कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब हम इसे बेक करेंगे और इन्हीं 2 पीस को पकाएंगे सिर्फ। पहले से हम बेकिंग पैन को रेडी कर लेते हैं और इसमें शीट बिछाकर अब हम इसमें ऑयल स्प्रे कर देंगे पहले से। यहाँ मैंने कनोला का ऑयल स्प्रे यूज़ किया है, आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं। अब ये बैगन जो हमने पहले से काट के धो के और काट के रखा था उसे हम इस पैन में रखते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट इसमें छिड़क देते हैं ताकि थोड़ी सी इसमें टेस्ट आ जाए, और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसे फैला देते हैं क्योंकि बेक करने देंगे। और हमने पहले से ही अवन को प्री हीटेड होने के लिए स्टार्ट कर दिया था 350 फ़ारेनहाइट पे। आप भी ऐसे ही करें। अब हम इसे बेक करेंगे 15 मिनट पूरे टाइम के लिए, मगर दोनों तरफ पलट देंगे, दोनों साइड 15 मिनट टोटल होना चाहिए। अब हम स्टफिंग के लिए ये स्वीट पेपर को हमने यहाँ पर लाल शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च यूज़ करी है, और थोड़े से स्वीट पेपर दूसरे यूज़ किए, वो सब हमारे अपने ही बैकयार्ड के हैं। पहले हम इसे छुरी से छोटे छोटे से काट लेते हैं, इसके बाद हम इसे चॉप कर लेंगे मोटे मोटे पीसेस में। इसे लिक्विड बिल्कुल नहीं बनाना है, मोटे रखने हैं। और ये वाला हमारा पेपर भी बहुत फनी है, डिफरेंट कलर्स के हैं और अच्छे दिखते भी अच्छे हैं, पकाने में भी अच्छे लगते हैं। और ये भी ये थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा तेज़ है, बट रेगुलर जो हरी मिर्ची होती है उनकी तरह नहीं है ये। एक लाल शिमला मिर्च और एक ग्रीन यूज़ करिए और थोड़े से दूसरे पेपर्स यूज़ किए हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बैगन है। हम इसे कटे हुए शिमला मिर्च को इसमें डालकर जार में थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, मगर ये बहुत लिक्विड नहीं बनेगा तो इसलिए पानी नहीं डाल रहे इसमें। देखे ऐसा बना है, बहुत पेस्ट वाला नहीं है। अब हम एक बंच समझे के पालक के लेते हैं और इसे भी छोटे पीसेस में काट कर इसे हमारा असल में मकसद है पानी को ड्राई करना, तो हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि सारे पानी खुश्क हो जाए। हल्का सा ऑयल डालते हैं इसमें। अब इसे हाई फ्लेम में इसे हमें फ्राई करेंगे ताकि सारे पानी खुश्क हो जाए और थोड़ा सा फ्राई टेस्ट भी इसका आ जाए। देखिए हमारा पानी खुश्क हो गया है, तो हम अब इसे निकाल लेते हैं और जो पहले से हमने इसे चॉप करके रखा था इसमें मिक्स कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। हमने आधा कप के करीब सॉफ्ट चीज़ लेके इसे क्रश कर लिया था, देखिए। ये ऐड कर देते हैं, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है और एक बहुत चीज़ी वो नहीं आता, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है।
अभी हमने इतने ब्रेड क्रम्स लिए हैं खुद ही, हम थोड़ा सा चूर करके, हमें बहुत क्रश नहीं करना था इसको, इसे भी थोड़े से मोटे मोटे रख देते हैं, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए सारा हमने इसमें तोड़कर डाल दिया है, और ये हमारा होममेड गार्लिक पाउडर है, तो ये भी 1/3 टीस्पून इसमें ऐड करते हैं। सो गार्लिक से एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और चीज़ भी इसमें डाल रहे हैं तो एक ज़बरदस्त टेस्ट बनती है। सो एक एग हमने लिया, उसे अच्छे से फेंट कर ये भी ऐड कर देते हैं इसमें। अब अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे अपने बैगन में जब हमारा बेक हो रहा है वो, सो उसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। सो देखिए हमारा बैगन रेडी हो गया बेक हो करके। सो हम सारे अंदर से बीच में से सारे इसके सीड्स निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टफिंग इसके अंदर डालेंगे, और अभी तो गर्म है थोड़ा सा। सो गर्म में करेंगे तो अच्छे से होगा, वरना टूट जाएंगे साइड से। सो जितनी भी फिलिंग आप कर सकते हैं कर ले, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा सा डिनर बन रहा है जिसमें सब कुछ है और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और या किसी वक्त भी आप खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का और एक फुल हेल्दी डिनर है, आप ट्राई करके देखें, क्योंकि बैगन की इतनी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। सो एक नया डिश है, ज़रूर आप इसे ट्राई करें प्लीज़, और बताएं आपको कैसी लगी। सो स्टफिंग के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए दोबारा से ओवन में रख देंगे, और ये 20 मिनट में फुल बेक होकर के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर मैंने थोड़े से चीज़ के स्ट्रिप यूज़ किए हैं, ये भी एक अच्छा है, क्योंकि जब हम बेक करते हैं तो इसका थोड़ा सा क्रंची इसका ये वाली चीज़ बनती है, मेल्ट नहीं होती है, क्योंकि हमने अंदर भी चीज़ डाली है तो हमें इतना मेल्टिंग वाला नहीं चाहिए। सो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, और बेटर चीज़ के भी आप बना सकते हैं। सो एक पीस जो है एक फुल आदमी खा सकता है और उसे फिल हो सकता है। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत और बहुत खुशबू आ रही है इसकी। सो सब बेक हो गया, चीज़ और इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो मिक्स हो करके, ब्रेड क्रम्स की भी अपनी स्मेल है, एक अच्छी सी खुशबू गार्लिक। सो ट्राई करके ज़रूर देखें और बताएं कैसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।